मुझको संभलना मुश्किल हो गया। Height देखे, height देखे। Are you ready? All right. Now you will count with me. 10 kilometer वाले बड़े tension में थे। आप लोग tension में नहीं ना, 5 kilometer आप मस्ती में घूम के आएंगे। All right. So count with me. When I say 10, you repeat that after me. 10. ये हुई ना बात।
क्या बात है। Thank you.
जैसे मैं टिक मारता वैसे ही पहना दूं। आइए आइए, बधाइयां बधाइयां। आइए आइए सर, आपकी ओह माय गॉड, आपने पीछे लगा रखा है। बीप कहाँ बात ये कि जीतो अहिंसा रन, उसको लेकर के आपकी तरफ से जो इतने ज़्यादा एंथुजियाज़म देखने को मिला और लोग उत्तेज बहुत ज़्यादा उत्साहित भी थे, और इस उत्साह लोगों को लेकर के क्या कहेंगे? और साथ ही साथ जो दिल्ली के जो लोग हैं, क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उसके मद्देनज़र यहाँ पे जो युवा हैं उन्हें किस तरह से आप प्रभावित करने का प्रयास करें? देखिए, जीतो को जितना हम जानते हैं, जीतो ऊर्जा और उत्साह जगाने वाला वो अद्भुत संगठन है, और यही कारण है कि इतनी तेज़ गर्मी में सुबह जब हम 5:30 बजे यहाँ आए तो देखा इतनी बड़ी मात्रा में लोग, और मैंने मालूम किया तो 18 वर्ष से लेकर के और 78 वर्ष की आयु के लोग यहाँ पर इस तरीके से जुटे थे। तो ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, या हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट दिया, ये कहीं ना कहीं उन सारे उद्देश्यों को मजबूत करता है। जीतो बहुत सारे काम करता है, जीतो ट्रेड में काम करता है, जीतो इकोनॉमी में काम करता है, लेकिन जीतो फिट इंडिया में भी काम करता है, ये आज मुझे पहली बार पता लगा है। इसके लिए मैं जीतो के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मुझे पता लगा कि यहाँ जितने भी रनर हैं सबके जो स्टिकर दिए गए उसमें चिप लगाई हुई है, रनिंग चिप लगाई है, तो वो कंप्यूटर से मैनेज होगा। तो टेक्नोलॉजी, फिट इंडिया, उत्साह, ऊर्जा, इन सबको मिलाकर के ये जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से ये अद्भुत है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को, ह्यूमैनिज्म को, चैनलिज्म को, इन सब चीज़ों को मजबूत करेंगे। आदिनाथ टीवी चैनल को क्या कहें? आदिनाथ जी तो नाम ही आदिनाथ है, ये नाम सुनते ही मेरे हाथ स्वयं जुड़ जाते हैं, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आदिनाथ के बारे में। लेकिन ये ज़रूर है, मेरे जितने भी मित्र हैं जो भगवान आदिनाथ को पूछते हैं, तो हम भी जब मौका मिलता है तो उनके साथ खड़े होकर के भगवान आदिनाथ की आराधना करते हैं। जीटो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो शिक्षा, सेवा और वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम करती है जैन सोसाइटीज़ के लिए, और ये ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं, बाहर फॉरेन के देशों में भी है, और ये 70 प्लस सिटीज़ में हो रही है इंडिया के, और 20+ कंट्रीज़ में हो रही है अब्रॉड। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारी संस्था आगे काम करती जाए, और जो और संस्थाएं हैं उनको जोड़े और आगे आए, और जैन समाज का जो नाम हुआ है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, 2023 में हमने लेडीज़ विंग के माध्यम से ये स्टार्ट किया था, और आज आप देख लीजिए कि कितनी कम्युनिटीज़ इससे जुड़ रही हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी अहम मुद्दे की बात है कि अहिंसा परमो धर्म, जो महावीर स्वामी भगवान हमारे बताकर गए हैं, उसको हम नए प्रचार, नए तरीके से यूथ के साथ और दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ जोड़ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आशा करते हैं आप सभी जो भी देख रहे होंगे उनके लिए भी बड़ी बात होगी, और ऐसे ही हमारी कम्युनिटीज़ आगे बढ़ती जाए और हम काफ़ी सारे लोगों को आगे लाते जाएँ। राहुल जैन, जीतो नॉर्थ दिल्ली से हूँ। जीतो सिर्फ संस्था नहीं है, जीतो एक मूवमेंट है। जीतो जो है हम सब में ऊर्जा भरती है, और आज का ये जो कार्यक्रम है ये पीस के नाम पे है, शांति के नाम पे है, अमन के नाम पे है। जीतो अहिंसा रन, हम लोग जैनी, सिर्फ ये जैनियों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, क्योंकि आज आप देख रहे हो विश्व में कितनी अशांति है, हर जगह लड़ाई हो रही है, लेकिन भारत ही ऐसा देश है जो कि शांति के लिए खड़ा है, और शांति के लिए जो है हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जीतो ने सोचा क्यों नहीं सबको साथ में लेके चलें और अहिंसा के लिए ये अहिंसा रन करें, और हमारे जो भगवान महावीर स्वामी जी उन्होंने यही कहा है, जियो और जीने दो, तो उसी के
ऊपर हम लोग जाते हैं। और सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अहिंसा के लिए जो है सिर्फ दौड़े, और दौड़े ही नहीं, सबको मोटिवेट करें, सबको एंकरेज करें कि सब लोग अहिंसा के पाथ पे चलें और सबको जियो और जीने दो। थैंक यू। चंद्र प्रणाम, मैं दिनेश चाजेड़ जीतो नॉट दिल्ली चैप्टर से। जीतो अपने आप में एक विशाल रूप है। जीतो जो है जियो और जीने दो का मैसेज देता है। आज जो अहिंसा रन का कार्यक्रम रखा है उसमें एक दूसरे से मिलने का पर्पज़ है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का पर्पज़ है। जीतो एक संदेश है, जियो और जीने दो, सबका साथ सबका विकास। जय जिनेंद्र प्रणाम। फिट एंड फ्लरिश, फिट एंड फ्लरिश, फिट एंड फ्लरिश, फिट एंड फ्लरिश, फिट एंड फ्लरिश। बनाया है और आप सबमिट कर रहे हो ऑनलाइन? ओह वाओ, सो इसमें क्या है आप थोड़ा सा बताएंगे? बेसिकली इट्स एन अहिंसा आर्ट शो। सो इन सेंटर मैंने महावीर स्वामी जी को डिपिक्ट करा है, और बैकग्राउंड में मैंने 6 बेसिक प्रिंसिपल्स जो जैनिज्म के हैं, और जो इसका बॉर्डर है इट हैज़ वेरी डीप मीनिंग, इट हैज़ लोगो ऑफ ऑल 24 तीर्थंकर्स। और आप देख सकते हैं कि हमारे जैनिज्म के जो बहुत से लोगो होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, वो आर्ट के माध्यम से हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं। और जब एक पिक्चर घर पे लगी होती है तो हमें दिखता है वो बार बार, और हम उसको अच्छे से सीख पाते हैं, राइट? आप क्या बनाकर लाई हैं? बुद्धा जी की ड्राइंग और उनके शिष्य जो पीस को वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। आप क्या लाए जी, आपका नाम? माय नेम इज हितेश कुमार। मैंने स्वामी महावीर जी को बनाया है, उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट में डिपिक्ट करते हुए। वेरी नाइस। आप क्या लाए, आपका क्या नेम है? वर्णित। बताओ। मैंने महावीर जी को बीच में डिपिक्ट करके उन्हें अपनी मेडिटेशन के द्वारा एनलाइटमेंट में जाते हुए दिखाया है। टीम के लिए हिप हिप हुर्रे। तो हमारे साथ नमित जी हैं, चीफ सेक्रेटरी, और उनकी तरफ से जो बताया जा रहा है कि नॉर्थ दिल्ली में जितने भी अभी जो मैराथन हो रही हैं उन सबको उनके अंडर ही देखा जा रहा है। और आज भी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में कितनी मेहनत लगी और कितना ज़्यादा यहाँ पर जो प्रयास, खैर हमने भी देखा है सारा दिन, जो मतलब सुबह से ही जब से मैं आई हूँ मैंने तब से तमाम चीज़ों को देखा, आप लगातार चीज़ें दौड़ते दौड़ते संभाल रहे थे, और चीज़ों को हैंडल कर पाना कितना ज़्यादा लग रहा था कि मुश्किल है या आसान है? मुश्किल कुछ नहीं है, सब कुछ जानता, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है। हमारा जीतो नॉट दिल्ली पूरा, मेरा यूथ विंग, मेरा लेडीज़ विंग, हम पूरा टीम वर्क है। और नमित जैन तो बिल्कुल नाम आता है इसके अंदर, मेरी टीम का वर्क है ये। और मेहनत ज़रूर लगती है, कोई दो राय नहीं है। सबसे ज़रूरी होता है जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हमारा क्राउड था, वो हमने नहीं उम्मीद करा था कि हम 2500 के पार चले जाएंगे। हमने बहुत अच्छा अचीवमेंट कर लिया। हमारा प्रोग्राम आप लोगों ने सबने देखा, और मेरे को पूरा नॉर्थ दिल्ली का सपोर्ट मिला। आई एम थैंक यू सो मच टू नॉर्थ दिल्ली, होल माय स्पॉन्सर्स, माय टीम, मैं सबका थैंक यू। आदिनाथ टीवी, थैंक यू सो मच, इन्होंने हमारा पूरा, आदिनाथ से टीवी धर्म का तो है ही है, इसने जो हमारा ये जीतों का ये जो कैप्चर करा है पूरा, मैं उसके लिए बहुत बहुत आदिनाथ टीवी का टीम का थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम श्री है। बताइए। मैं सबसे पहले तो जीतो ग्रुप को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करा है, और बहुत ही अच्छी वाइब है, सब पॉजिटिव है, सब मॉर्निंग में इतनी जल्दी आ गए संडे वाले दिन, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने हालांकि 3 किलोमीटर फन रन में पार्ट लिया है, पर मैं बिना रुके आया हूँ, चाहे स्पीड स्लो थी मेरी, बट मेरे को 20 मिनट लगे, 19 से 20 मिनट लगे पूरा करने में, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू। यस, मेडल, देखिए मेडल जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्टिसिपेशन, खुद के बारे में आप जानते हो, जो भगवान महावीर ने नॉन वायलेंस के लिए जो मैसेज दिया है इतने साल पहले, वो आज भी बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है, हम लोग वो भूल रहे हैं। तो जीतो टीम को, पूरे ग्रुप को, जितने भी मैनेजमेंट है उन सबको कंग्रेचुलेशंस,
एंड बिग विशेज फॉर दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू सर. आई एम रोमिता सहानी. रोमिता जी कैसा लग रहा है? Oh, it feels wonderful getting up in the morning and being in this marathon of Jito. I think this is the main effort that every Indian needs to, you know, be gung-ho about it. And thanks to our Prime Minister Narendra Modi, he has always promoted health. And I think it's a very good effort by Jito by organizing this run. And I think I ran after a year and I finally completed 3K and definitely next year 5K. Okay, what about that feeling regarding the Mahavir's messages, what they are sending to us? Because Ahimsa and the peace all together, they are trying to actually spread that message. Yeah. What will you say? So the message is pretty clear, and we all collectively, you know, we support that message of peace and of Ahimsa and being against violence. And this is what we must be promoting it right now. That should be a slogan, I think, for every Indian. We are, you know, diversity mein hamari unity hai. So this is the main culture. This is the main, how we are culturally rooted. This is our belief. And this is what I want to inculcate in my children. And we have imbibed this through years, that peace mein hi, you know, peace should prevail. Thank you so much. Thank you. Arush. Batayenge kaisa laga daughter? Bahut acha laga aur itna organized tha. और मैंने तेज भागा लास्ट ईयर. बहुत मजा आया था. बहुत मजा आया. मतलब सारे, बहुत सारे आपके साथ बड़े भी थे, आपकी एज के भी थे, आपसे थोड़े से बड़े होंगे, तो कैसा लग रहा था इन सब के बीच में? बहुत अच्छा. और जब मैं फर्स्ट आ रहा था बहुत अच्छा लग रहा था. वेलकम जैन, एंड दिस इज माय फर्स्ट मैराथन. So it was scheduled for 45 minutes and given the time I completed in less than 20 minutes, so that's quite applauding for me. I am boasting myself. But at the same time, I'm in college right now, third year, and I feel there should exist work-life balance. In that life part, there should be exercise or some kind of extracurricular activities in order to maintain the physical health, not only the physical health, but also the mental health. So yeah, kudos to all youth. You are the future, so maintain work-life balance. Thank you. Aapka naam? Ridhan. Ridhan, kya kahenge aaj ki marathon ko leke? Bahut acha tha. Aap jeete? Nahin. Complete kiya? Haan. तो कैसा लगा कंप्लीट करके? बहुत अच्छा. पहले तो, सबसे पहले तो आदिनाथ जी की जयंती आ रही है 3 अप्रैल को, उसके बाद महावीर जयंती है. तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में शांति हो, खुशहाली हो, हर आदमी खुश रहे. जो किसी भी तरीके का कोई भी, किसी भी तरीके की किसी, कोई भी ऐसा महामारी ना आए, हर परिवार खुश रहे. और प्रभु से यह है कि सब पे कृपा बरसती रहे. आपका नाम? शीतल वर्मा. तो शीतल जी क्या कहेंगे मैराथन को लेकर? हाँ, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस. था मेरा पूरा ग्रुप फिट एंड फ्लरिश से है हम लोग, और हमने बहुत एंजॉय किया. बट एक फीडबैक जरूर है कि टाइमिंग की या मैनेजमेंट कम है. सो टाइम मैनेजमेंट इज नॉट गुड. सो सीरियसली. आपका नाम? शिप्रा. शिप्रा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फिट एंड फ्लरिश की तरह. हमारे साथ है आरजे आकृति. तो चलिए बात करते हैं उनसे कि ये मैराथन में आकर के उन्हें कैसा लगा, इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर, और साथ ही साथ क्योंकि जुड़ते तो बहुत सारे लोगों से होंगे, लेकिन कैसा लग रहा है यहाँ? एक तो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन यहाँ पर आते ही जो एनर्जी लोगों की मेरे अंदर आई है ना, मुझे ऐसा लगा कि रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए और भागने जाना चाहिए. लेकिन इस रन का जो मेन मकसद है कि पीस के लिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में, प्रदेशों के बीच में, देशों के बीच में. यू नो, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो सिर्फ एक या दो इंसान के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू, यू नो, गेट टुगेदर इज ऑल्सो देयर, अ ग्रेट वे टू सेंड अ मैसेज. यस. मैसेजेस, अकॉर्डिंग टू द मैसेजेस, आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट द महावीर जयंती. एज यू ऑलरेडी नो, इन अप्रैल ऑन 21st महावीर जयंती होगी. तो क्या कहेंगे, क्योंकि एक बड़ा संदेश तो खैर जीतों से ही जुड़ा हुआ है जो महावीर ऑलरेडी दे चुके हैं हमें, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि देखिए, किसी भी इंसान को जब हम फॉलो करते हैं, किसी भी बुद्धिजीवी को जब हम फॉलो करते हैं, तो सिर्फ उनके सामने हाथ जोड़ना ये सब चीज़ें नहीं होती, बल्कि जो उनकी क्वालिटीज़ होती है उनको अपने अंदर लेकर आना होता है, तभी सही मायने में हम उनकी पूजा करते हैं. तो मेरा मानना ये है कि उनकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेकर आइए, और आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. व्हाट इज योर नेम? पॉलिना. What will you feel, and because you are in India, yes, and right now you have participated in a marathon, yes, what will you say regarding this participation? Oh, it was a great run. Everybody is so friendly and helpful.
And it is. I've done a run 20 years ago, and this is so much different, so much better. All the road is off the cars, and so many people running this shirt. It's a good goal. So yes, it's lovely. My name is Gerwin. Okay, what will you say regarding this marathon? It was nice. It's still nice to run with people all together, to be all together. That's nice. Perfect, organized, and enjoy it.